वेलकम बैक, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि फंडामेंटल लॉ, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अध्याय एक की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात की थी, विस्तार की बात की थी, संक्षिप्त नाम की बात की थी और उसमें कुछ विभिन्न परिभाषाओं की बात की थी, जैसे लोक सेवक की क्या परिभाषा दी गई है। इन सब मुद्दों पे लास्ट क्लास में चर्चा हम लोगों ने की थी। तो आज जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ वो लोग क्या करेंगे, लास्ट वाली क्लास को भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे, क्योंकि दोनों कोरिलेटेड क्लासेस हैं, वही टॉपिक आपका सेम है। तो आज मैं आपको भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अध्याय दो की बात मैं आपसे करूँगा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम अध्याय दो, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के किसकी बात हो रही है, अध्याय दो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अध्याय दो बात करेंगे हम लोग, अध्याय दो की। और अध्याय दो में क्या बात कही गई ये हमें आज सीखना है, अध्याय दो। और अध्याय दो जो है आपका, इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, अध्याय दो में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को बताया गया, जिसमें धारा 3 से धारा 6 तक यहाँ पर दिया गया है। तो क्या है, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्या है टॉपिक आपका, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, धारा 3 से धारा 6 तक की बात की गई इसके अंतर्गत। सबसे पहले यहां पर देखेंगे धारा 3 में क्या दिया गया है आपको, धारा 3 सेक्शन 3 में आपको क्या दिया गया है, सेक्शन 3 में आपको दिया गया है इनकी नियुक्ति, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसे न्यायाधीशों को की जाती है जो सत्र न्यायाधीश हों या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हों, या सब न्यायाधीश रहे हों या सहायक सब न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हों या कर चुके हों, तो ऐसे न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश के रूप में इस भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत क्या दी जाती है, नियुक्ति दी जाती है। तो नोट करेंगे नियुक्ति, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उन किसकी की जाती है, जो सत्र या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रह चुके हों या अतिरिक्त न्यायाधीश रह चुके हों या अतिरिक्त सत्र या अतिरिक्त या सब अतिरिक्त या सब या सहायक सब न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश के पद पर रहे हों या रहे हों की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाएगी, जो सत्र अतिरिक्त या सब सहायक न्यायाधीश के रूप में पद पर रहे हों या हो इस समय पर, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अब देखिएगा यहीं पर सेम धारा 4 में देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बहुत नहीं है, धारा 4 धारा 3 आपको याद रखना है, विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण, यहाँ पर विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण में क्या प्रकरण होता है वो धारा 4 में दिया गया है। विशेष न्यायाधीशों द्वारा विशेष न्यायाधीशों द्वारा
विचारण के प्रकरण, ये धारा चार में बात कही गई है और धारा पांच यहीं पर देख लेंगे, बस एक एक पॉइंट है देख लीजिएगा, रटने की कोई खास जरूरत नहीं है आपको। धारा पांच में विशेष न्यायाधीशों के अधिकार एवं प्रक्रिया, विशेष न्यायाधीशों के अधिकार, विशेष न्यायाधीशों के अधिकार, बस एक एक लाइन है याद रखना है आपको, न्यायाधीशों के अधिकार। धारा पांच में क्या दिया गया, विशेष न्यायाधीशों के अधिकार एवं प्रक्रिया की बात की गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण टर्म जो कि आपका संक्षिप्त विचारण की शक्ति, धारा छह में संक्षिप्त विचारण की शक्ति दी गई है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सिक्स धारा छह संक्षिप्त विचारण की शक्ति, इसको भी यहीं पर नोट कर लीजिएगा, संक्षिप्त विचारण की शक्ति। बस ये धाराएं वन बाई वन लाइन में आपको याद रखना है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हो सकता है पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त विचारण की शक्ति यानी इसको संक्षिप्त रूप में कैसे विचार कर सकते हैं, ये भी न्यायाधीशों के पास शक्ति होती है। तो ये धारा चार पाँच छः तीनों एक एक लाइन है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगली धारा में अगले अध्याय में यहाँ से प्रोसीड कराऊंगा, तो जल्दी से नोट करिएगा इसे। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा अध्याय तीन की। हो गया, देखिए यहां पर देखिएगा अध्याय तीन आपसे क्या कहता है, अध्याय तीन की मैं आपसे बात करूंगा, चैप्टर फोर, ये चैप्टर टू में तीन से धारा तीन से छह तक के प्रावधान थे, अध्याय तीन में क्या बात कही गई, अध्याय तीन में किसे आपको अध्ययन करना है, तो अध्याय तीन के अंतर्गत विशेष क्या हो जाएगा आपका, अपराध एवं शक्तियां। अध्याय तीन में इस प्रकार के कौन कौन से अपराध हैं और कौन कौन सी शक्तियां, तो यहां पर देखेगा अध्याय तीन में अपराध और शक्तियों की बात की जाती, अपराध एवं शक्तियां, कौन कौन से अपराध हैं और क्या क्या यहाँ पर दंड दिए जाएंगे, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं विशेष न्यायाधीश के पास। तो अब धारा सात की मैं आपसे बात करूँ, तो सेक्शन सेवन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सी, इस अधिनियम के धारा दो सी में मैंने आपको लोक सेवक की परिभाषा बताई है, जिन स्टूडेंट्स ने पिछला क्लास नहीं देखा है प्लीज़ वो पिछले क्लास की वीडियो को देख लीजिएगा, तो वहाँ पर लोक सेवक की परिभाषा सेक्शन 2C में मैंने आपको बताई है, तो बहुत ही क्लियर आपको हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक कौन, सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के भिन्न, लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न, यानी जो उसको पेमेंट दी जाती है उसके अलावा पारितोषित ग्रहण करना, क्या है धारा सात पहले नोट करेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेक्शन सेवन, लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक द्वारा क्या, लोक सेवक द्वारा अपने पदी कार्य के संबंध में, अपने पदी कार्य के संबंध में, अपने पदी जो उसका पद है उसके संबंध में, अपने पदी कार्य के संबंध में, कार्य के संबंध में, लोक सेवक द्वारा अपने पदी कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न, यानी जितना उसको मिलना है, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोष ग्रहण करना, सामान्य शब्दों में कहें तो कोई ऐसा लोक सेवक जो क्या करता है, उसकी जितनी पेमेंट है यानी उसे जितना मिलना चाहिए वैध रूप से, उससे अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से
अन्य कोई लाभ कमाने का प्रयास करता है, जिसे हम लोग घूसखोरी कहते हैं, रिश्वत कहते हैं, काम करने के बदले में या काम ना करने के बदले में, है ना, या काम को लोप करने के बदले में अगर कोई ऐसा लोक सेवक कार्य करता है तो ये क्या होगा, अपराध होगा। जैसे मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर या किसी लोक सेवक के पद पे नियुक्त किए जाते हैं और उस स्थिति में आप अपनी पेमेंट के अलावा किसी का काम करने या किसी का काम ना करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी से रिश्वत लेते हैं, तो ये क्या है, ये अंडर सेक्शन 7 ये क्या है आपके, ये एक अपराध है। वही बात यहाँ पर की जा रही, एक्स्ट्रा अगर कोई धन लेते हैं उस काम को करने का जितना वैध है तो वो क्या होगा, अपराध होगा, और उसके लिए दंड का प्रावधान है। कितने दंड का प्रावधान है ये आप लोग याद रखिएगा। तो न्यूनतम 3 वर्ष, कितना न्यूनतम 3 वर्ष, कम से कम जो दंड दिया जाएगा वो कितना होगा, न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष, यानी ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष और कम से कम अधिकतम 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोष लेता है, घूस वगैरह लेता है तब। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इसकी चर्चा अभी आगे बार बार होती रहेगी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और इसकी चर्चा आगे भी होगी। तो याद भी रखना है कि अगर जो मिलना है, जितनी पेमेंट मिलनी है, जितना पारिश्रमिक बनता है, उसके अलावा अगर व्यक्ति कुछ कमाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक अपराध हो जाएगा, उसके लिए इतनी सजा का प्रावधान किया गया। क्लियर है सभी को, ये सेक्शन 7 आपका हो गया। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ सेक्शन 8 में, धारा 8 क्या कहती है, लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोषित लेना। लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोष ग्रहण करना, ठीक है, देखिएगा धारा 8 में क्या बात कही जाती है। सेक्शन 8 धारा 8, लोक सेवक द्वारा लोक सेवक द्वारा क्या करना है, भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोषण ग्रहण करना, असर डालने के लिए पारितोषण ग्रहण करना। कौन कौन से पॉइंट हैं ये जरा देखिएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से अवैध साधन हैं इसकी बात यहाँ पर की जाती है, ये भी हमें पॉइंट को देखना है। नोट 1988 के अनुसार इसके लिए सजा कितनी है, न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष, दंड उतना ही है। दंड कितना है, मिन का मतलब समझ लीजिएगा मिनिमम 3 ईयर्स 3 वर्ष तथा मैक्सिमम 7 ईयर प्लस जुर्माना, ये दंड की बात हो रही। यहां पर कुछ नोट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1988 के द्वारा जब ये अधिनियम आया था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, तो उसमें क्या प्रावधान था कि जो घूस लेता था, जो रिश्वत लेता था, पारितोषण ग्रहण करता था, सिर्फ वही दोषी होता था। लेकिन 2018 के अनुसार इस भ्रष्टाचार निवारक संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार घूस
देने वाला भी दोषी है और घूस लेने वाला भी घूस लेने वाला भी दोषी है और घूस देने वाला भी उसी दंड का भागीदार होगा जितना घूस लेने वाला होगा। क्लियर है? पॉइंट्स टू बी नोटेड, यहाँ पर इसे जल्दी कर लीजिए, फिर इसके कुछ पॉइंट्स में नोट कराता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे मैं आपको नोट कराता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, चलिए नोट नोट 1988 के अनुसार, इस अधिनियम में 1988 के अनुसार सिर्फ पारितोषण लेने वाला यानी घूस या रिश्वत कह सकते हैं, पारितोषण लेने वाला दोषी था, लेने वाला दोषी होगा होगा परंतु संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2018 के अनुसार, जितने दंड का भागीदार लेने वाला होगा होगा उतना ही देने वाला होगा उतना ही पारितोषण देने वाला आ रही बात समझ में सभी को, आई थिंक यहां पर क्लियर होगा सभी को। घूस लेने वाला जितना दोषी उतना देने वाला भी दोषी, वो भी अवैध काम कर रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या कहा जाता है, अगर विवश होकर के रिश्वत दी गई है, विवश होकर के पारितोषण दिया गया है, तो यहां पर धारा 8 लागू नहीं होगी, लेकिन 7 दिन के भीतर विवश होकर के दिया गया पारितोषण वो क्या नहीं होगा, वो अपराध नहीं होगा, वह व्यक्ति दोषी नहीं होगा विवश होकर अगर घूस दे रहा है तो, लेकिन 7 दिन के भीतर उसे विधि प्रवर्तन अधिकारी को सूचित करना होगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, विवश होकर देने वाला होकर रिश्वत देने वाला, दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर विवश है दोषी नहीं होगा किंतु कब नहीं होगा, कंडीशन है भाई, आप विवश थे तो आपने बताया क्यों नहीं, किंतु 7 दिन के भीतर, अगर 7 दिन के भीतर आपने नहीं किया है इसका मतलब आपने जानबूझकर घूस दिया है काम करवाने के लिए, किंतु 7 दिन के अंदर 7 दिन के भीतर विधि प्रवर्तन अधिकारी को सूचना देना होगा, विधि प्रवर्तन अधिकारी को सूचित करें। एक पॉइंट यहां पर और याद रखिएगा, अगर किसी पकड़वाने के लिए, अगर पकड़वाने के लिए क्या करता है, कोई किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है तो वो अपराध नहीं होगा, क्या नहीं करता है, पकड़वाने के उद्देश्य से रिश्वत देना, लेकिन इसमें पहले से सूचना, पकड़वाने के उद्देश्य से रिश्वत देना, पकड़वाने अपराध नहीं होता, क्या है कहते नहीं कि रंगे हाथ पकड़वा दिया, तो उसमें क्या करते हैं, जो नोटें दी जाती हैं, जो रिश्वत दी जाती है, उसमें फेनोफ्लिथीन, उसमें फेनोफ्लिथीन पाउडर लगा देते हैं नोट में, जैसे कि जब वो व्यक्ति पकड़ता है उस नोट को तो उसके हाथ में उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, उसकी चीज़ें आ जाती हैं और उसका कलर जो है वो लाल हो जाता है और उसको लिक्विड डाल के चेक कर लिया जाता है। तो कौन सा पाउडर लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है फेनोफ्लिथीन
कभी कभी पूछा जाता है, फ्लेथलीन, फेनोफ्लेथलीन पाउडर लगाते हैं नोट पर, ये पूछा जाता है कभी कभार नोट पर लगाते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है, कौन सा पाउडर ऐसा है जो क्या करते हैं, जो विजिलेंस वाले लगाते हैं नोट पे पकड़वाने के लिए, तो उस पाउडर का नाम याद रखें फेनोफ्लेथलीन, ये आपको नाम याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अगली धारा में प्रोसीड करूँगा। क्विकली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अगली धारा में आपको लेकर के चलूँगा। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे अच्छा तरीका स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको अगली धारा में लेकर के चलूँगा। सेक्शन 9 की बात मैं आपसे करूँगा, धारा 9 हो गया। धारा 9 में क्या, लोक सेवक पर व्यक्तिक असर डालने के लिए दबाव बनाया जाना, कोई लोक सेवक है, देखिएगा सेक्शन 9 क्या कहता है, धारा 9 क्या कहती है, लोक सेवक पर लोक सेवक पर क्या करना, वैयक्तिक असर डालने के लिए, समझिएगा पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर नोट करिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जैसे कोई लोक सेवक है और वो अपने नीचे वाले लोक सेवक पर काम कराने के लिए, यानी उससे पद में छोटा है तो उससे काम कराने के लिए दबाव डालता है, या काम न करने के लिए दबाव डालता है, उसके लिए घूस लेता है, तब ये क्या होगा, व्यक्तित्व जो है असर डालता है, तो ये भी क्या है, एक अपराध है। आ रही बात सभी को समझ में, लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए पारितोषिक लेना, ये भी एक अपराध है भाई। बड़े अधिकारी हैं, सीओ है, तो इंस्पेक्टर के ऊपर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं, सब इंस्पेक्टर दबाव बनाते हैं, यानी जो ये होते हैं एक क्रम में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर दबाव बनाए, तो क्या हो जाएगा, ये एक अपराध हो जाएगा, इसके लिए न्यूनतम जो दंड है वो 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष का दंड यहां पर दिया जाएगा। दंड कितना, दंड न्यूनतम 3 वर्ष या अधिकतम 7 वर्ष, यानी 3 वर्ष से कम की सजा नहीं, 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माने की सजा से दंडित किया जाता है, अगर नीचे वाले को ऊपर दबाव बनाने के लिए भी आप क्या करते हैं, किसी प्रकार का पारितोषक लेते हैं। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में लेकर चलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन पर लेकर के चलता हूँ। सेक्शन 10, ये बात हो गई सेक्शन 9 की, अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 10 की, और धारा 10 में अब देखिए, जिन्होंने अभी तक की धाराओं को पढ़ा अभी से देखेंगे तो कम समझ में आएगा, तो इसीलिए पूरे वीडियो को आपको देखना है, ऐसा नहीं बीच से आप छोड़ छोड़ के देखेंगे, बीच से देखेंगे तो समझ में आने के चांसेस कम है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 10 हो गया, सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 10 में क्या बात कही जाती है, तो जल्दी से देखिएगा धारा 10 में क्या बात कही जाती है, धारा 10 के अंतर्गत कहा गया, धारा 10 के अंतर्गत क्या कहा गया, धारा 10 में बात की जाती है लोक सेवक द्वारा धारा 8 व 9 के अपराधों का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड, धारा 8 में क्या अपराध है, धारा 9 में क्या अपराध है, उसको उकसाने के लिए दंड दिया जाता है, लोक सेवक द्वारा धारा 8, अब ये धारा 8 आप लोग पीछे देखेंगे तब क्लियर होगा, धारा 8 एवं 9
के अपराधों के अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। अभी आपने देखा 8 और 9 दुष्प्रेरण का दंड, क्या दंड है 8 और 9 के लिए उकसाने के लिए? तो यहां पर दंड 6 माह न्यूनतम, कितनी सजा है? दंड क्या है? 6 माह न्यूनतम, 6 माह तो कम से कम, तथा मैक्सिमम कितना है देखिएगा, 5 वर्ष अधिकतम, 5 वर्ष अधिकतम प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना, इतना दंड दिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में इसके जो बचे हुए सेक्शंस हैं उसकी बात मैं आपसे करूंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आगे आप नेक्स्ट क्लास में फिर से रूबरू होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।